अरुणाचलम मुर्गनाथम, जिसे कि आज लोग इनके असल नाम से कम और इनके निकनेम यानी पैडमैन के नाम से ज़्यादा जानते हैं। मुर्गनाथम बेसिकली एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने भारत के एक ऐसे विषय पर काम किया है जिसके बारे में तो लोग बात करने में भी कतराते हैं। मुर्गनाथम ने कम कीमतों में सैनिटरी पैड बनाने वाली मशीन बनाकर न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर में नाम कमाया। उनकी मशीन से बनाए गए पैड्स बाजार में मौजूदा पैड्स की तुलना में 3 गुना तक सस्ते होते हैं और उनकी यह मशीनें अब तक 23 राज्यों में अलग अलग जगहों पर लगाई जा चुकी है। किसी भी बड़े कॉलेज की डिग्री ना होने के बाद भी एक व्यक्ति ने अपनी मेहनत और जज्बे के दम पर महिलाओं के पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानियों के लिए जो काम किया है वो सच में काबिले तारीफ है और इसके लिए उन्हें 2014 में टाइम्स मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया और भारत सरकार से 2016 में उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार भी मिल चुका है। दोस्तों, दुनिया के रियल लाइफ सुपर हीरो के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, पर ये पैडमैन सच्चे मायने में भारत के रियल लाइफ सुपर हीरो हैं और उन्होंने एक ऐसी परेशानी को ख़त्म किया है जो कि भारत में लंबे समय से कई बीमारियों की वजह बनती रही है। हालांकि मुर्गनाथम का यह सफ़र इतना आसान भी नहीं था, वे काफ़ी संघर्षों के बाद यह सब कुछ कर पाए। तो चलिए दोस्तों, अरुणाचलम मुर्गनाथम की इस इंस्पिरेशनल स्टोरी को हम शुरू से डिटेल में जानते हैं। मुर्गनाथम का जन्म 1962 में तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर में हुआ था। उनके पिता का नाम एस अरुणाचलम और माँ का नाम ए विनीता था और दोनों ही घर चलाने के लिए हैंडलूम बुनाई का काम किया करते थे। लेकिन मुर्गनाथम के जीवन में एक दुखद भरा पल तब आया जब काफ़ी छोटी उम्र में ही एक सड़क दुर्घटना में उन्होंने अपने पिता को खो दिया, जिसके बाद से उनका पूरा परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो गया और मुर्गनाथम का पूरा बचपन बहुत ही गरीबी और परेशानियों में बीता। उनकी माँ ने खेतों में मजदूरी करके उनका पालन पोषण किया और कैसे भी करके उनकी शुरुआती पढ़ाई करवाई। लेकिन मुर्गनाथम जब 14 साल के हुए तो उनके घर की आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई, जिस वजह से मुर्गनाथम को स्कूल छोड़ना पड़ा ताकि वे कुछ काम करके घर की आर्थिक हालत में सुधार ला पाएं। और फिर उन्होंने खेतों में मजदूरी करने और वेल्डर मशीन ऑपरेटर जैसी बहुत सारे छोटे छोटे काम किए। मुर्गनाथम के इस सपोर्ट से अब घर की हालत पहले से बेहतर हो चुकी थी और फिर 1998 में उनकी शादी शांति नाम की एक लड़की के साथ हो गई। दोस्तों, अब तक तो हमने मुर्गनाथम के शुरुआती जीवन के बारे में जाना, लेकिन यहाँ से शुरू होती है वह कहानी जिसने मुर्गनाथम को पैडमैन बना दिया। शादी के बाद एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत ही गंदा कपड़ा ले जाते देखा, जिसे कि शांति पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल करती थी। मुर्गनाथम ने एक इंटरव्यू में बताया कि कपड़ा इतना ज़्यादा गंदा था कि उससे वह अपनी मोटरसाइकिल तक साफ ना करे और यह देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि वह पीरियड्स में कपड़े का इस्तेमाल क्यों करती हैं, सैनिटरी पैड्स का क्यों नहीं। तो इस बात का उत्तर देते हुए उनकी पत्नी ने कहा कि या तो वो घर के लिए दूध खरीद सकती हैं या फिर खुद के लिए सैनिटरी पैड्स, क्योंकि बाजार में मौजूद पैड्स की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती थी और उनके घर की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। और फिर आगे चलकर एक दिन ऐसे ही मुर्गनाथम अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बाजार से पैड्स लेने गए और जब उन्होंने पैड को हाथों में लिया और देखा कि इसका वजन तो सिर्फ कुछ ही ग्राम है और इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, वहीं पर उन्होंने खड़े होकर हिसाब लगाया कि इसकी असल कीमत 10 पैसे के आसपास है, जबकि बाजार में इसे लगभग 40 गुना ज़्यादा कीमतों पर बेचा जा रहा है। और फिर उन्होंने सोचा कि इससे सस्ता पैड तो वो खुद बना सकते हैं। उनके घर में जो कठिनाई उनकी बीबी को देखनी पड़ती है, वही ना जाने कितनी महिलाओं की परेशानी होगी, और इसी विचार से उन्होंने सभी महिलाओं की परेशानियों को ख़त्म करने का बीड़ा अपने सर पर उठा लिया। पैड्स बनाने के शुरुआती समय में पैड्स की जाँच वो अपनी पत्नी से करवाते थे, पर एक समय बाद उनकी पत्नी ने भी उनका साथ देने से मना कर दिया और फिर उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज की लड़कियों से अपने बनाए हुए पैड्स की जांच करवाने की सोची। दोस्तों, मुर्गनाथम उस समय में एक ऐसी क्रांतिकारी विचारधारा के साथ काम कर रहे थे जब भारत में पीरियड्स या फिर सेक्स आदि की बातें करना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी और उस टाइम तक मेडिकल कॉलेज की लड़कियाँ भी काफ़ी शर्मीली हुआ करती थी और वो अपने पीरियड्स के बारे में किसी अनजान व्यक्ति से बात करना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने भी मुर्गनाथम के इस रिसर्च में उनका साथ नहीं दिया। और जब सब कुछ फेल होता दिखाई दे रहा था
तो मुर्गनाथम ने खुद पर ही पैड का रिसर्च करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने एक ब्लैडर में जानवर के ब्लड का इस्तेमाल किया और साइकिल पर जब भी झटका लगता या फिर साइकिल चलाते समय खून ट्यूब के रास्ते उनके पहने हुए पैड तक पहुंच जाता। लेकिन उनके द्वारा बनाया गया पैड लिक्विड एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी शेप खो देता था। और फिर 2 सालों तक दिन रात एक करके रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि बाजार में जो भी पैड्स मौजूद हैं वो सेल्यूलोज फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि पैड लिक्विड एब्जॉर्ब करने के बाद भी अपनी शेप नहीं खोता है। दोस्तों, अब मुर्गनाथम का यह रिसर्च तो पूरा हो चुका था, लेकिन उनके सामने एक बड़ी कठिनाई तब आई जब उन्हें पता चला कि पैड्स को बनाने में लगने वाली मशीनों की कीमत 3.5 करोड़ रुपए है, जो कि वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ भी हार ना मानते हुए उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिसे कि कोई भी साधारण सा व्यक्ति आसानी से ऑपरेट कर सकता था, और इस मशीन की कीमत सिर्फ 65,000 रुपये थी। अब मुर्गनाथम की सस्ते पैड बनाने की रिसर्च पूरी हो चुकी थी, और फिर 2006 में वे IIT मद्रास गए, जहाँ उन्होंने अपना आइडिया लोगों को दिखाया और लोगों ने भी उनके आइडिया की बहुत सराहना की, और इस आइडिया को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के ग्रॉस रूट्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, और फिर आगे चलकर उन्होंने यह अवार्ड जीता भी। इसके बाद से ही उनको सीड फंडिंग मिलने भी शुरू हो गई, और जिसकी सहायता से उन्होंने जयश्री इंडस्ट्रीज की स्थापना की, जो कि अब इन मशीनों को गांव-गांव में बहुत सारी औरतों तक पहुंचाने का काम करती है। हालांकि पैसों का लालच देकर बहुत सारे कंपनीज ने उनके द्वारा बनाई गई मशीन को कॉमर्शलाइज करके बेचने का भी ऑफर दिया, लेकिन मुर्गनाथम ने सभी को मना कर दिया और इसे अपना सामाजिक कर्तव्य मानकर काम करते रहे। मुर्गनाथम का आविष्कार भारत के महिलाओं की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आया, और इससे न केवल सैनिटरी पैड्स कम कीमतों पर उपलब्ध हो पाते हैं, बल्कि इसने महिलाओं को भी पैसे कमाने का जरिया दिया। अरुणाचलम मुर्गनाथम आज एक जाने माने नाम बन चुके हैं। भले ही वो किसी IIT या फिर IIM से नहीं पढ़े, लेकिन आज वो IIT और IIM में लेक्चर दे चुके हैं, और उनके कहानी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई जिसका नाम मेंस्ट्रुअल मैन है। और इसी साल 26 जनवरी को अरुणाचलम के जीवन पर ही आधारित एक फिल्म पैड मैन रिलीज होने वाली है, जिसमें कि अक्षय कुमार अरुणाचलम मुर्गनाथम की भूमिका में दिखेंगे। दोस्तों, अरुणाचलम मुर्गनाथम का जीवन संघर्षों की एक मिसाल है। बचपन से अब तक उन्होंने ना जाने कितने संघर्ष किए हैं, यहाँ तक कि एक समय के बाद उनके परिवार ने भी उनका साथ देने से इनकार कर दिया था, पर फिर भी वो महिलाओं के हितों में काम करते रहे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।